पहले ना थैनोस ने लोकी को पृथ्वी के ऊपर भेजा स्टोन देकर के कि भैया तुम जाओ और जाकर के एवेंजर्स की बैंड बजा दो, पृथ्वी का सर्वनाश कर दो और दूसरा जो इन्फिनिटी स्टोन है ना वो लेकर के मेरे पास आ जाओ, ठीक है। क्योंकि थैनोस को ना उम्मीद बहुत थी लोकी से कि भाई लोकी बहुत ही ज्यादा काबिल इंसान है, वो काम करके दिखाएगा। थैनोस को उम्मीद थी लोकी से और लोकी गया, लोकी ने जाकर के तहलका भी मचाया और हुआ क्या एंड के अंदर वो हल से पिटाई खा के आ गया और जो स्टोन लेके गया था उसको भी छोड़ के आ गया। और लोकी की जिस तरीके से एवेंजर ने मिलकर के बैंड बजाई थी ना तो थैनोस को लगा कि छोड़ो यार इनके भरोसे कुछ नहीं होने वाला, अपन खुद अपने रास्ते से कर लेंगे, अपन कर लेंगे कैसे भी कर लेंगे लेकिन कर लेंगे। सेम डिट्टो का डिट्टो ऐसा ही हो रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के साथ में। मतलब पब्लिक जो है ना वो उम्मीद लगा के बैठी है सोनी स्टूडियो से कि भैया वो ट्रेलर अब दिखाएंगे, अब दिखाएंगे, अब हमको मालूम चलेगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर कब आने वाला है, उसमें क्या कुछ होने वाला है। लेकिन नहीं, सोनी पिक्चर्स तो सोनी पिक्चर्स है, उन्होंने जिस तरीके से पब्लिक की भावनाओं के साथ खेला है ना तो पब्लिक को लग रहा है, ऑडियंस को लग रहा है कि छोड़ो यार तुम्हारे बस की बात नहीं, हम खुद अपने से कर लेंगे। और स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर जो है रिलीज होने से पहले ही लीक हो गया है, लीक हो गया है। और अब जब ट्रेलर लीक हो गया है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है तो पब्लिक क्यों नहीं जाकर के ट्रेलर को देखेगी यार, देखेगी ना 10 बार देखेगी। लेकिन तकलीफ है उसके अंदर भी, बहुत बड़ी तकलीफ है। जो ट्रेलर लीक हुआ है वो है तो ओरिजिनल ट्रेलर ही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर ना तो CGI का वर्क प्रॉपर आपको देखने को मिल रहा है, ना ही VFX का काम आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर से जो क्लैरिटी है ना वो इतनी ज़्यादा थर्ड क्लास है कि जब आप इस ट्रेलर को देख लोगे एक बार मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर तो उसके बाद जब ओरिजिनल ट्रेलर रिलीज होगा तो वो देखने में मजा नहीं आने वाला। ये वैसा ही है जिस तरीके से रोबोट मूवी के साथ हुआ था कि उसका जो ट्रेलर था रोबोट 2.0 का वो रिलीज हो गया था, लीक हो गया था पहले ही, और उसके बाद जब वो ट्रेलर रिलीज हुआ ओरिजिनल तो लोगों को देखने के अंदर इंटरेस्ट नहीं आया। बट फिर भी ये जो ट्रेलर है ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, लोग किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है नो वे होम के ट्रेलर को लेकर के। इसके अंदर आपको डॉक्टर ऑक्टोपस देखने को मिलने वाले हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज आपको देखने को मिलने वाले हैं, टोबी मकवाई का स्पाइडरमैन भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में इतना ज्यादा वेट करने के बाद में भी आपको अगर ट्रेलर देखने को नहीं मिलता और इस तरीके से लीक होकर सामने आपके आ जाता है तो आप क्या ही कर सकते हो। बट फिर भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इतने लंबे टाइम तक वेट किया है स्पाइडरमैन नो वे होम के ओरिजिनल ट्रेलर का तो थोड़ा सा और वेट कर लो, शायद हो सकता है कि कल के दिन 24 के दिन ये ट्रेलर जो है आपको ओरिजिनल आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि ये बात तो सोनी स्टूडियो को भी मालूम चल गई है कि कैसे ना कैसे तरीके से जो ट्रेलर है वो लीक हो गया है और किसी बंदे ने मोबाइल में देखते हुए दूसरे मोबाइल से उसको रिकॉर्ड करके लीक किया है। यानी कि जब आप देखने बैठोगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब जो वॉइस ओवर जो डायलॉग्स है वो तो आपको समझ में नहीं आएंगे, साथ में जो VFX का काम है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब सा है। मतलब आपको कुछ कुछ तो मालूम चलेगा कि मूवी में क्या दिख रहा है, जिसकी नहीं बताऊंगा स्पॉइलर हो जाएगा, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी लेकिन जो पूरा इन्जॉय है वो आप नहीं कर पाओगे। तो वेट करो, शायद हो सकता है कि कल के दिन ये ट्रेलर आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाए और उसके बाद में इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो बस यही था छोटा सा अपडेट स्पाइडरमैन नो वे होम के लीक ट्रेलर का। अब आप लोगों की क्या सोच होने वाली इस बारे में मुझे कॉमेंट करके बताना, साथ में वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर सब घूमते फिरते आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करना ताकि जितनी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड पीस आउट।